बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद रूच में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज की जो रेसिपी है वो है मुरमुरे चेवड़े की रेसिपी। वो इजी सी स्नैक टाइम रेसिपी है जो इजीली आप घर पे बनाएं। मैंने इससे पहले भी गुजराती चेवड़ा बनाया था जिसकी रेसिपी का लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, वो भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके लिए राइस पफ यानी मुरमुरे लिए, इसको मैंने छान लिया था क्योंकि इसमें अक्सर मिट्टी वगैरह होती है ताकि ये साफ हो जाए। इसमें वही करके आम स्पाइसेस लिए जिसमें नमक, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा जीरा और साथ में कड़ी पत्ते लिए, इसे मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया था, बादाम जिसे मैंने स्लाइसेस कर लिया था, मूंगफली और साबुत नारियल के कुछ स्लाइसेस ले लिए थे, किशमिश और एक बड़ी तलहार मिर्च को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। इसमें आपको जो चीज ज्यादा पसंद है वो आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब आती है इसके मेकिंग प्रोसेस की बारी। मैंने कढ़ाई में ऑयल लेकर इसमें सबसे पहले किशमिश फ्राई करके निकाल ली, बाद में बादाम और नारियल फ्राई कर लिए, साथ में मूंगफली भी फ्राई कर ली, करी पत्ते और तलहार मिर्च डालकर भी फ्राई कर लिया। इसके बाद मुरमुरे भी शामिल कर दिए। ये सारा प्रोसेस मैंने स्लो फ्लेम पर किया है ताकि कोई चीज जले ना, और स्लो फ्लेम पर मुरमुरे डालकर हल्का हल्का भूनती रही, साथ में सारे स्पाइसेस भी ऐड कर दिए और इसे भी मिक्स किया। 2 से 3 मिनट में अच्छी सी खुशबू आने लगी। देखें कैसा क्रिस्पी क्रिस्पी चेवड़ा तैयार है और ज्यादा ऑयली भी नहीं होता। फिर इसको मैंने ट्रे में निकाल लिया। जब ये ठंडा हो गया तो इसमें एक चिप्स का पैकेट भी क्रश करके शामिल कर दिया। आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, और इसमें चीनी डालकर मिक्स कर दिया। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो गया तो इसे किसी भी एयरटाइट जार में रखकर चाय के साथ सर्व करें। 10 से 15 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होता, आप भी ट्राई करिएगा। चाय के साथ तो बहुत ही मजे का लगता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।